दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुटखा खाने के नुकसानों के बारे में। ये एक ऐसी आदत है जो लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है। चलिए जानते हैं इसके नुकसान क्या हैं। नंबर एक, कैंसर का खतरा। गुटखा में तंबाकू का प्रयोग किया जाता है जो कि कई प्रकार के कैंसर का कारण बनता है, खासकर मुंह का कैंसर, गले का कैंसर और फेफड़ों का कैंसर। शोध बताते हैं कि नियमित गुटखा सेवन करने वालों में कैंसर का जोखिम सामान्य लोगों की तुलना में काफी बढ़ जाता है। नंबर दो, दांतों की समस्या। गुटखा खाने से दांतों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे दांतों में कैविटी हो जाती है, मसूड़ों में सूजन आती है और अंततः दांत गिरने तक की नौबत आ सकती है। दांतों का पीला होना और उनकी सेहत बिगड़ना आम समस्या है। नंबर तीन, गैस्ट्रिक समस्याएं। गुटखा खाने से पेट में जलन, अल्सर और अन्य गैस्ट्रिक समस्याएं होती हैं। कई लोग गुटखा खाने के बाद पेट में असहजता का अनुभव करते हैं। यह समस्या धीरे धीरे गंभीर रूप ले सकती है, जिससे अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत पड़ सकती है। नंबर चार, आदत बनना। गुटखा का सेवन करने से तंबाकू की लत लग जाती है। ये एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। इसे छोड़ना बहुत कठिन होता है और इसके लिए विशेष प्रयास और चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। नंबर पांच, दिल और फेफड़ों की समस्याएं। गुटखा खाने से हृदय रोग और फेफड़ों से संबंधित कई समस्याएं हो सकती हैं। यह रक्तचाप बढ़ाने, दिल के दौरे और फेफड़ों की कार्य प्रणाली को प्रभावित करने में योगदान करता है। अंत में, गुटखा एक ऐसा पदार्थ है जो ना केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। अगर आप गुटखा का सेवन कर रहे हैं तो इसे छोड़ने पर विचार करें। याद रखें, स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वस्थ आदतें अपनाना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपकी सेहत आपकी प्राथमिकता है। धन्यवाद।